जो सेवा दे रहा है, लेकिन क्योंकि इसके बाद में जो है ना हम लोगों से रूबरू नहीं हो पाएंगे। और मैं बहन जिनानी से निवेदन करूँगा कि यदि कोई आपके साथ में भाई कोई टीम आई हो आप उसको परिचय कराना चाहें। देखिए आपको परिचय तो होने चाहिए भाई, कुलदीप जी हैं, कुलदीप जी मैं निवेदन करूंगा भाई कुलदीप जी से कि वो अर्चना से जिन्होंने चार दिन के मेहनत में और उनकी पूरी टीम ने पूरी जी जान से मेहनत की है और योग की गंगा इस क्षेत्र में आई है। जब हमें जिम्मेदारी मिली थी हमें याद है 2008 में 9 में सबसे पहला योग शिविर हम लोगों ने यहाँ अहिल्या बाई होलकर पार्क में लगाया था और उस समय भी उनका पूरा योगदान रहा था। जो बस प्रभारी है नंदगढ़ बिंदगढ़ में योग शिक्षक है कक्षा ले रहे हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं। थोड़ा पंक्ति वर्ष ऐसा चाहिए आदरणीय भाई ये अभिनंदन करते हैं आभार करते हैं। आदरणीय भाई कमल जी जो तहसील प्रभारी हैं भारत कल्याण ट्रस्ट के पीछे देखो हमने स्टेडियम बनाया हुआ है उस स्टेडियम में जितने भी साधक हैं उनको सभा रहे हैं उनका भी अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भाई सुभाष शर्मा जी जो बस प्रभारी हैं और मोटर से अपने सभी योग साधक बीच में पधारे हैं आप जो योग प्रोटोकॉल कॉमन कराना है। कार्यक्रम का स्मृति आचार्य श्री नीरज योगी जी ऋषिकेश में स्थित योग निकेतन आश्रम में जो ध्यान के पद को जिन्होंने सुशोभित किया अनेक कार्यक्रम हमने उनके साथ किए याद कर श्री नीरज योगी जी का अभिनंदन स्वागत करते हुए श्री लवि जायसवाल जी। और अब समय हो चला है देखेंगे चेहरे से मन से दिखा देगा कि ये काम स्वभाव और कितने कर्मठ है। हमारे कमल पाल जब आपकी सेवा की जरूरत पड़े तो अपनी सेवा के लिए आगे बढ़े सभी की जब वाली संख्या है कमल गर्दन सिंह आगे निकल कर मंडू का दोनों हाथों की मुट्ठियां बना के नाभि के गिर्द लगा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे मैं सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नित्य प्रतिदिन योग करें। योग करने के बहुत फ़ायदे हैं, आपको दिन भर ऊर्जा बनी रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है और अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप हर क्षेत्र में बेहतर काम कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।